तो गाइस आज आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक इज हैक्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे सैमसंग S23 अल्ट्रा को, वन प्लस 11 5G और आईफोन 14 प्रो मैक्स को। आज हम अपनी इस वीडियो में इन तीनों फोन को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो S23 अल्ट्रा की प्राइसिंग अराउंड 1,25,000 के अप्रोक्स जाती है, और आईफोन की प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग 1,40,000 के अराउंड जाती है, और वन प्लस 11 5G की बात करें तो इसकी प्राइसिंग 57,000 के अराउंड जाती है। बॉडी की बात करें तो सैमसंग S23 अल्ट्रा में हमें फ्रंट और रियर में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। साथ ही में IP68 रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब है वाटर डस्ट रेजिस्टेंट है। और अगर आईफोन की बात करें तो ये फ्रंट और रियर में कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन में आता है, या फिर सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन में आता है। और साथ ही में हमें स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ मिलता है, और इसके अंदर भी हमें IP68 रेटिंग देखने को मिलती है। तो वन प्लस में हमें फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस और रियर में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। साथ ही में ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, और साथ ही में ये IP64 रेटिंग के साथ भी आता है। अब बात करें इनकी डिस्प्ले की। तो सैमसंग में हमें डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो HDR10 को सपोर्ट करती है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1715 निट्स तक की है। वन प्लस की डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें LTPO3 फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है, 1300 निट्स की उसकी पीक ब्राइटनेस है। और अगर आईफोन के डिस्प्ले की बात करें तो ये LTPO सुपर रेटिना OLED XDR डिस्प्ले के साथ आती है, जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें आती है। और अगर इनके कैमरा की बात करें तो सैमसंग में हमें रियर में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। और इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो वो 12 मेगापिक्सल का आता है। और अगर वन प्लस की बात करें तो इसके रियर में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है। और इसके सेल्फी कैम की बात करें तो वो 16 मेगापिक्सल का आता है। और अगर आईफोन के कैमरे की बात करें तो इसके रियर में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा इसके अंदर आता है। साथ ही में हमें इसके रियर में हमें लाइडार स्कैनर भी देखने को मिलता है। और अगर इसके सेल्फी कैम की बात करें तो वो 12 मेगापिक्सल का आता है। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो एप्पल में हमें A16 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, और अगर सैमसंग और वन प्लस की बात करें तो इनके अंदर में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर बात करें इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो सैमसंग में एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड UI 5.1 देखने को मिलता है, और अगर वन प्लस की बात करें तो इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड ऑक्सीजन OS 13 देखने को मिलता है, और अगर आईफोन की बात करें तो इसके अंदर हमें iOS 16 देखने को मिलता है। और अगर इनकी बैटरी की बात करें तो सैमसंग में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो 45 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और जिसके अंदर हमें 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। साथ ही में हमें इसके अंदर 4.5 वाट की रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। और अगर आईफोन की बात करें तो इसके अंदर हमें अराउंड 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो 25 वोल्ट के चार्जर के साथ आती है और 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। और अगर वन प्लस की बात करें तो इसके अंदर में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग के साथ आती है। तीनों ही स्मार्टफोन में हमें स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, और तीनों में ही हमें 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है। अगर इनकी सिक्योरिटी की बात करें तो सैमसंग और वन प्लस में हमें फेस लॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, और आईफोन में हमें फेस ID देखने को मिलती है। अगर इनकी स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो सैमसंग हमें 256 GB से लेकर 1 TB तक की स्टोरेज का ऑप्शन देता है, जो कि UFS 4 स्टोरेज है। और अगर आईफोन की बात करें तो इसके अंदर हमें 128 GB से लेकर 1 TB तक का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक NVMe टाइप स्टोरेज है। और अगर वन प्लस की बात करें तो वन प्लस में हमें 128 GB से लेकर 512 GB या 512 GB तक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि UFS 4 टाइप स्टोरेज है।
और अगर दोस्तों इनमें से क्लियर विनर एक क्लियर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हमें पिक करना हो, वन प्लस का 11, वन प्लस 11 5G एक ट्रू वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है जो कि इनके आधे प्राइस में आता है, लेकिन स्पेक्स के मामले में लगभग इनके बराबर है और कई मामलों में इनसे बेहतर भी होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।